पुष्कर हमारा एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है और यहाँ पर अभी होली अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल मनाया जा रहा है 4 दिन का। देखो जो समय पर सिटीजन होते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्रीय जनता को उसी का फायदा होता है। जब से प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनी है, टूरिस्ट के मामले में भी पहली बार बजट प्रोजेक्ट किया गया था, फर्स्ट साल में 100 करोड़ किए थे, फिर 500 करोड़ किए थे, फिर 1000 करोड़ किए थे, इस बजट में 1500 करोड़ किए। राठौड़ साहब चेयरमैन बने जब से हमारे डिपार्टमेंट के, इस हमारे डिपार्टमेंट को धार्मिक आस्थाओं से थी पूरी तरह राठौड़ साहब ने जोड़ा। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है अपने सब लोगों के लिए कि वो रहने वाले भी यहीं के, बड़ा सोच समझ के माननीय मुख्यमंत्री मदन को चेयरमैन बनाया। और पूरे प्रदेश में तो अनेक ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 50-60 साल में टूरिस्ट डिपार्टमेंट हुए नहीं। ये पुष्कर में भी विशेषकर उनकी मेहनत से मान लो, उनके सोच से मान लो, उनकी प्रोग्रेसिव नेचर में जानता हूँ उसको मान लो, करीब 500 करोड़ रुपए विकास के कार्य होंगे। और जो पुष्कर पहले से भी अपन जानते हैं, हम जैसा सुनते भी हैं, अगर वर्ल्ड में पहला मंदिर है और ऐतिहासिक हमारे राजस्थान के लिए एक ऐसा स्थान यहाँ पर होगा, तो लोग, मैं समझता हूँ, टूरिस्ट बढ़ेंगे, धार्मिक आस्थावाले बढ़ेंगे। और आने वाले टाइम में जैसे ही 500 करोड़ पर लग जाएंगे, आप ये सोचना कि काशी से भी कम स्थान ये नहीं रहेगा। सबसे बड़ी मुख्यमंत्री महोदय को जो राठौड़ साहब कह देते हैं, चेयरमैन साहब वो कर देते हैं। और राठौड़ साहब, मैंने बताया कि उनका माइंड प्रोग्रेसिव है। जैसे अभी पहले से मिल चली थी, राजस्थान पहली बार चली थी, सभी बंद हो गई थी, पूरे वर्ल्ड बंद थी, सबसे पहले शुभारंभ यहाँ हुआ। हमारे जितने भी RTDC के होटल्स हैं करीब बंद, मृत प्राय हो गए थे, बंद की स्थिति पहुँच गए थे, आज वापस संचालित हो गए। और उसी के तहत ये ऐसा ऐतिहासिक स्थान, आपको पता है कि यहाँ पे सरोवर की सफाई और बहुत से ऐसे कार्य हुए, और 500 करोड़ रुपए आपके पुष्कर में लगेंगे, 500 करोड़ रुपए हमारे डिपार्टमेंट से। और मैं समझता हूँ कि मैं तो इसका श्रेय राठौड़ साहब को दूंगा, और आने वाले टाइम में बहुत चेंज आ जाएगा पुष्कर में, तो ताकि हम पूरे वर्ल्ड से आते हैं, यहाँ इसराइल से सारे विदेशों से यात्री आते हैं, हमारे देश के भी सारे यात्री यहाँ पर आते हैं। और ये बिल्कुल आने वाले टाइम में एक ऐतिहासिक हमारा धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल होगा। और जो होली महोत्सव, मैं तो चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव रखा है, ये हमेशा रेगुलर चलता रहे, रेगुलर इस तरह से हमारी सरकार आएगी अगली बार, हमेशा रेगुलर रखेंगे।